गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी, वहीं सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी, सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है, और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफाएं नजर आती हैं। देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा हैं। हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थीं कि कौन सी गुफा में जाएं, तभी वहां एक परी प्रकट हुई और कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है, और जैसा कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा हैं, एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है, और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सोनिया हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए, वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है, मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में, तुम भी जाओ अपनी अच्छाई की गुफा में। इतना कहकर सोनिया बुराई की गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई की। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। वाह कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी सुमन को वहां एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सोनिया खजाने के लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया को भूख भी बहुत लग रही होती है।
उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा। ओह, और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहा। इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता, और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। अरे अरे ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी, और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो। मैं तुम्हारी श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वहीं गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। काश सोनिया, तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो आज मेरे साथ होती। तभी वहां सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा न होने पर भी इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरा लालच ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहां पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती हैं कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। नानी थी।